एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी जो है एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएगी 2.5 आज। तो कोशिश करें कि आपका सेकंड चैप्टर जो है जल्दी जल्दी फिनिश हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, इफ़ वाई इज इक्वल टू दिस शो दैट 1 + x² y1 - p of 1 + y² = 0। ये वाई वन किसको डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट करता है फर्स्ट डेरिवेटिव को, मतलब एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम एक होगी हमारे पास जिसमें हमने y2 y3 y4, मतलब एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया y1, फिर लिया तो y2, फिर लिया तो y3 एंड सो ऑन, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो tan का आपको पता है क्या था, डेरिवेटिव क्या था tan का? d/dx tan(x) इज इक्वल टू sec²x, यही था ना हमारे पास। तो sec² और x हमारा क्या है, ये चीज़ है। अब हमने अंदर वाले का गेन डेरिवेटिव लेना है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो tan(x) का अब आपको पता होना चाहिए डेरिवेटिव क्या है, वो होता है 1/1 + x². ठीक है, तो p वैसे एक कॉमन नंबर था इसलिए ऊपर आ गया, तो 1/1 + x². इसके बाद ये हम देखिए प्रूफ में 1 + x² आपको y1 के साथ नज़र आ रहा होगा, इसलिए इधर डिवाइड हो रहा था, इधर ले जाके वो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमें प्रूफ में देखें आपको नज़र आ रहा होगा 1 + y², तो ये चीज़ गायब करके हमें यहाँ क्या बनाना है, 1 + y², कैसे करेंगे? अब देखें जो आपके पास ये चीज़ थी y = tan(p, tan inverse of x) था, इसका आप ले लें बोथ साइड्स पे स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 + tan² किसके इक्वल होता है, sec² के इक्वल होता है। तो हम बोथ साइड्स पे 1 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 1 + tan² किसके इक्वल हो जाएगा, sec² p tan inverse of x। तो ये आपने पूरी की पूरी वैल्यू जो है इसकी जो आई है ये उठा के इक्वेशन नंबर 1 में सब्सिट्यूट कर देनी है। तो ये क्या बन जाएगा, y1 1 + x² = p × 1 + y². ठीक है, इसके बाद जो है प्रूफ में देखें इस टर्म को इधर ला गए, इधर लेके आए हुए हैं, इधर प्लस की थी, इधर आके वो क्या हो जाएगी, माइनस की। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड प्रूफ, यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। तो आपकी एक्सरसाइज 2.5 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 2.6 कल से स्टार्ट करेंगे।